मैं बिनू और दोस्तों आज हम बताएंगे आपको कि दोस्तों कोकोपीट क्या होता है और दोस्तों कोकोपीट को हम किस प्रकार यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों ये जो आप देख रहे हैं दोस्तों ये कोकोपीट है, ये पूरी कंपोस्ट हुई कोकोपीट है। दोस्तों कोकोपीट क्या होता है? कोकोपीट दोस्तों वो होता है जो नारियल के छिलके से जो दोस्तों बुरादा निकाला जाता है, जो बुरादा दोस्तों होता है उसको हम कोकोपीट कहते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं ये नारियल का बुरादा है दोस्तों, ये कंप्रेस होकर दोस्तों ये इस प्रकार हो जाता है। तो चलिए दोस्तों इसको किस प्रकार यूज़ किया जाता है और इसको किस प्रकार यूज़ करने के लिए इसको तैयार किया जाता है उसके बारे में हम इसको पूरा जानकारी देंगे। दोस्तों ये जो आप देख रहे हैं ये हमारा 1 किलो का दोस्तों ये कोकोपीट है। अगर इसको आप दोस्तों पानी में डालेंगे तो ये 1 किलो का दोस्तों ये 5 भाग बढ़ता है, तो 1 किलो का दोस्तों ये 5 किलो का हमारा कोकोपीट तैयार हो जाएगा। तो दोस्तों आज हम बताएंगे इसको किस प्रकार इसको तैयार किया जाता है। तो सबसे पहले दोस्तों हम इसको हाफ भाग में इसको हम काट लेते हैं क्योंकि हमें इतनी ज़रूरत नहीं है कोकोपीट की अभी, तो इसको हम हाफ़ कर लेते हैं। दोस्तों ये हमने आधा कर लिया करीबन, दोस्तों ये आधा किलो से थोड़ा कम होगा। तो चलिए दोस्तों इसमें हम पानी डाल लेते हैं, पानी इसमें डाल लेते हैं दोस्तों। दोस्तों हमारा कोकोपीट था और ये देख रहे हैं पूरा जो हाफ का था दोस्तों ये भर चुका है। तो चलिए दोस्तों इसको हम एक पॉलिथीन में इसको हम सुखा लेते हैं। दोस्तों इस प्रकार एक पॉलिथीन बिछाएं और पॉलिथीन बिछाने के बाद दोस्तों इसको आप 1 से 2 दिन के लिए इसको छाया में रख दें जिससे कि आपका ये दोस्तों कोकोपीट थोड़ा सूख जाए। तो पहले दोस्तों इसको हम सुखा लेते हैं, पहले दोस्तों इसका पूरा पानी आप निचोड़ लें। निचोड़ने के बाद दोस्तों आप इसको इस प्रकार पूरे पॉलीथिन में आप दोस्तों फैला दें। तो दोस्तों इस प्रकार दोस्तों पूरी पॉलीथिन में आप फैला दें और फैलाने के बाद इसको सुखा दें दोस्तों। दोस्तों इसको 2 दिन सूखने के बाद आप इसको दोस्तों आपको इसको यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों ये अब हमारा कोकोपीट दोस्तों रेडी हो गया है। दोस्तों इसको हमने 2 दिन तक सूखने के लिए अच्छी तरीके से इसको रख दिया था, अब दोस्तों आप इसको यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों आप देख रहे हैं ये यूज़ करने लायक दोस्तों ये हो गया है। तो चलिए दोस्तों अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों।